एक छोटी सी बारीक डंडी से बड़ा सा बल्ब कैसे बन सकता है, वो भी बिना होल्डर के। जो तार हमारी आंखों से नहीं दिखता उसको ये मशीन उठाकर इसके अंदर डालती है। ये पूरा काम ऑटोमेटिक इन गोल मशीनों में होता है, घुमाना, उठाना, शेप देना और टेस्ट करना। अब ये नामुमकिन सा काम कैसे मुमकिन है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमारे पास आती है ये बड़ी सी डंडियां, जिसका काम शुरू होता है इस मशीन के अंदर, जिसकी आगे जानकारी हमें बंसल जी देंगे। एक एक पीस लगा मशीन में लगाएगा, ये फ्लेयर गर्म करेगी, फ्लेयर बनाएगी, फ्लेयर फॉर्म आ जाती है हमारी, बनने के बाद तैयार हो जाती इस टाइप से। ओके, और ये जो शेप दे रहे हैं, जो ये नीचे मशीन में जो आप देख रहे हैं मशीन आ रही है उसमें ये शेप बन जाता है, ये घूम रहा है, इसको फ्लेयर बोलते हैं, इसको फ्लेयर बोलते हैं। अच्छा, और ये दूसरी तरफ से घूम फिर के पूरा राउंड सर्कल, राउंड आने के बाद बाहर निकल जाता है, स्टेप आने के बाद ये कटिंग होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ये छोटे वाले पाइप की कटिंग हो रही है, ये छोटे वाले पाइप की हम पीस बना देते हैं, 110 mm का होता है ये। हमारी अगली मशीन जो है आप देख रहे हैं इस मशीन पे चला जाता है। एक तरफ से फ्लेयर लोड होता है, उसके बाद दो वायर लोड होता है। अच्छा, वायर वो है जो ऊपर से आ रहा है, कैप से आ रहा है, और इसके अंदर फिलामेंट लगेगा, फिलामेंट करंट पास करने का काम इस वायर का है। आगे जाकर के एक जगह पंच हो रहा है, और पंच होने के बाद आगे ये फिर अनलोड हो, पंच होने के बाद भी फिर दोबारा से एक मशीन, फिर मशीन के बाद में ये ऑटोमेटिक चैन सिस्टम है जैसे हमारा। अब ये इसको बोलते हैं स्टैम मशीन जी। स्टैम का मतलब होता है कि बल्ब का धुरा, तो बल्ब का धुरा बन रहा है। इसके बाद ये चला जाएगा माउंटिंग मशीन पे। माउंटिंग मशीन का मतलब हो गया जहां पर हम इसमें फिलामेंट लगा रहा है, जैसे भाई साहब एक-एक फिलामेंट को उठा के इस गोल सी ड्रम पे लगा रहे हैं, ड्रम के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी इसके बाद वो पिकअप अपने आप उठाएगा उसको, ये ऑटोमेटिक ऐसे उठाता है, उठा रहा है और उसको पंचिंग कर रहा है, और ये घूम के फिर थोड़ा आगे की तरफ, आगे जाके दो वायर लग रही है। दो वायर लगने के बाद फिलामेंट के लिए सपोर्ट वायर है वो। अच्छा, जो फिलामेंट लंबा है, वायर दो लगा है, तो उसको बीच में से फिलामेंट लटके ना, उसके लिए उसको सपोर्ट वायर। ये एल्युमिनियम की वायर होती है? नहीं नहीं, टंगस्टन वायर, टोटल वायर टंगस्टन, क्योंकि फिलामेंट का जो हीट है वो 2200 डिग्री तक जाता है। घूमने के बाद में फिर ये अनलोड हो गया। नीचे वायर जो दिया है उसको हम वर्बली मोड़ लेते हैं, अच्छा, जिससे कि हमारा आगे लॉस ना हो। हमने जो अभी फ्लेयर बनाया, ट्यूब कटिंग किया, वायर किया, माउंटिंग किया, ये पार्ट्स प्लस ग्लास पार्ट्स, एक लड़का माउंटिंग पे डालेगा मशीन पे, सीलिंग पे मतलब ग्लास लगा रहा है, ग्लास से लगा रहा है मैनुअली, और एक लड़का जो स्टैम्प आया है उसको लोड कर रहा है, उस मशीन में लोड कर रहा है। ठीक है, उस मशीन का काम है दोनों को ज्वाइंट करना, ज्वाइंट का मतलब सीलिंग करना, ओके, सील करना, वो भी ऑटोमेटिक है, अपने आप ऑटोमेटिक कटिंग होगा, अपना ऑटोमेटिक कटिंग होगा, गिर जाएगा, ऑटोमेटिक लोड होगा, ऑटोमेटिक अनलोड हो गया। तो ये जो बल्ब की बेसिकली जो ट्रेडिशनल शेप है वो वहाँ आ जाए, वो वाली यहाँ आ जाती है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स कांच का है वो गिर जाएगा नीचे, ये जो इसके नीचे का है नीचे गिर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ये रिसाइकलेबल है? रिसाइकलेबल, रिसाइकलेबल है बिल्कुल। कांच में कुछ भी, जैसे कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बन जाती है, कंचे बन जाते हैं, और बहुत सारी कांच के तमाम आइटम कांच के वो बन जाते हैं। और नीचे पतले वाली जो ट्यूब आप देख रहे हैं जी जी जी, अभी ये हमारे पास लंबी ट्यूब है। हाँ, अब इसको हम लेकर के जाएंगे एग्जॉस्ट मशीन पर। ओके, तो चैन भी चल रहा है, ये अपना आप ही जा रहा है, अपने आप जा रहा है, टोटल ऑटोमेशन है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। किसी भी को या किसी को भी कैरी नहीं कर रहा है। बल्ब सेप लेके अगली मशीन पर ऐसी ऑटोमेटिक पहुंच चुका है, इस पे क्या काम हो रहा है? अब यहाँ पर काम होता है जो बल्ब के अंदर गैसेज है, एग्जॉस्ट करते हैं इनकी सारी हवा निकालते हैं गर्म करते हुए, जब हम इसको पूरा वैक्यूम कर लेंगे, उसको वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करने के बाद में हम इसमें नाइट्रोजन फिलिंग कर देंगे। अच्छा, उससे पहले ये जो फ्लेम जा रही है एक हर बल्ब पे ये टच हो रही है और ऐसे बिजली सी कड़क रही है, ये क्या चीज़ है? वैक्यूम को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, वैक्यूम टेस्टर लगा है जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारा बल्ब वैक्यूम हो चुका है, यानी इसमें कोई अदर गैस नहीं है, अदर गैस नहीं है। सील होने के बाद इसको हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे, इसके अंदर हम डालेंगे कैप, दो वायर डाले, वायर डालने के बाद इसको हम कैप कर देंगे। आगे जो काम रहेगा अब इसको होल्डर लगाने का काम है, जिससे कि आम आदमी इसको अपने होल्डर में ला करके जला सके। हाँ, तो उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी कैप, ठीक है, जिससे कि होल्डर में लगेगी हरे से रंग का, कैपिंग कंपाउंड जो हरे से रंग का आप देख रहे हैं। इसके बाद ये हीटिंग मशीन पे चला जाएगा और ये बल्ब को चिपक जाएगा, बल्ब को चिपकाने का काम इस मशीन का है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसको चिपकाएगी, ऊपर के जो एक्स्ट्रा वायर इनको काटेगी, इसके ऊपर से इसके ऊपर वायरिंग से सोल्डिंग वायर से सोल्डर करेगी, जो ये ऊपर वाले जो दो टाके आप देख रहे हैं, और ये ऐसे ही राउंड घूमते घूमते कंप्लीट होकर आपके सामने। और यहाँ पे टेस्टिंग भी चल रही है, हर बार एक बल्ब जल रहा है, टेस्टिंग तो ये चली रही है, लेकिन हम मैनुअली टेस्टिंग आगे भी करते हैं, इसके बाद भी, इसके बाद फाइनल टेस्टिंग मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल जिससे हमारे अपना क्वालिटी देना 100% क्वालिटी दे, क्वालिटी नहीं। चलिए यहाँ से ये निकल के मैनुअली की तरफ आ जाता है। जैसे एक बल्ब को उठाती हैं, उसके ऊपर ये टेस्टर लगाती हैं, बल्ब जल गया तो ये दूसरी तरफ रख देती हैं, और नहीं जला तो खराब है बाहर निकाल देती हैं, वेस्टेज में जाएगा, वेस्टेज में जाएगा। उसके बाद पैकिंग, उसके बाद सीधा पैकिंग पे चला जाएगा। ओके, पैकिंग का काम है पैकिंग करना, लड़के का काम है रैपर में डालना, पैकिंग मशीन का काम है राउंड करते हुए वो पैकिंग कर रही है, एक व्हील वो मैनुअली काम है। ओके ओके, और ये पैक हो गए, पेटी में पैक करके आप इसको सप्लाई के लिए रेडी है। अच्छा, अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, आप तक पहुंचना हो, थोड़ा डिटेल, वेबसाइट है bansalindustries.com के नाम से, bansalindustries@gmail.com, ये तो ईमेल आईडी हो गई, मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9412701982। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई।